डोंट अंडर एस्टिमेट द हेलमेट, क्योंकि अगर हेलमेट से पंगा लोगे तो हेलमेट आपसे पंगा लेगा और चोटें जरूर लगेंगी। दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद कुमार जी के साथ। आज आपको एक भाई लोग, आज का वीडियो एक ऐसा टॉपिक पे होने वाला है जो कि बहुत कम लोग या तो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत कम लोग उस चीज़ को यूज करना ठीक समझते हैं, पब्लिक एरिया या फिर वैसे भी कुछ लोगों तो इसको लगाने में शर्म तक आती है। तो यार, ऐसी चीज़ मैं एक ही चीज़ का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है हेलमेट। तो यार, हेलमेट वैसे लगाना चाहिए पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, क्योंकि अगर ज़िंदगी आपकी रहेगी तो आप ही को काम देगी, बाकी पुलिस वालों से बचने के लिए लगाओगे तो फिर और ही बात है। मौसम 3 दिन बाद बहुत सुहाना हो चुका है, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, बहुत शानदार मौसम हो रखा है और एकदम खुली धूप निकली हुई है। तो बेसिकली आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से आज मेरा टॉपिक है जो कि आज मैं कहीं घूमने जाने वाला नहीं हूँ, आज बस एक उसके बारे में क्या लोगों को बता दिया जाए। तो आज का टॉपिक ये है कि आज मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद, कुछ लोगों को देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार, ये लोग अपने सिर में हेलमेट पहनते क्यों नहीं है। और जिसने हेलमेट पहना भी हुआ है वो लोग हेलमेट को मतलब ठीक से लगाते नहीं है। और कुछ है कि तो काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को देखने के बाद और वीडियो वगैरह भी देखने के बाद और कुछ लोगों को रोड पे चलते हुए मैंने बहुत जनों को देखा जो कि बिल्कुल यार बस हेलमेट लगाते तो हैं लेकिन मतलब कि बस पुलिस वालों से बचने के लिए। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, वीडियो में आखिरी तक बने रहना, ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा हेलमेट लें और कितने रुपए तक का लें, मिनिमम बजट क्या होगा आपका। तो कुछ ऐसा एक आपको सजेशन भी दूंगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहना ज़रूर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बेकार भी नहीं कहूँगा, ना महंगा है ना सस्ता है, ऐसे दो हेलमेट दिखाने के लिए, वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा हेलमेट लेना चाहिए। तो एक मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ। तो इस टाइम आ चुके हैं मेरे हाथ में दोनों हेलमेट, एक साइड है मेरे पास अपना ये हेलमेट जिसे आप सब लोग बिल्कुल वाकिफ हो गए, जानते हो गए इसे, ये हेलमेट एकदम आम रोड पे ही बिकता हुआ मिल जाएगा आपको। इसकी कीमत मात्र 100, 150 या 200 से लेके 350 तक भी अगर आपको कोई चूना लगा दे तो हो सकती है, बाकी वैसे इसकी कीमत 150 या 200 रुपए के करीब करीब ही होती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है ना कि इसमें भी ISI मार्क लगा होता है बिल्कुल, ठीक है। ISI मार्क वैसे लगा होता है लेकिन ये कुछ फालतू उतना मजबूत नहीं होता, और बस ये एक आपको पुलिस से प्रोटेक्शन कर सकता है कि आपका चालान नहीं कटेगा। बाकी अगर आप रोड पर कभी, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है अगर रोड पर एक्सीडेंट होता है तो फिर या तो हेलमेट के करके, बिना हेलमेट के तो चली जाती जान, लेकिन अगर हेलमेट भी लगाया हो ऐसा वैसा तो फिर तब भी जान चली जाती है। तो इस हेलमेट को लगाना भी बेवकूफ़ी एक हिसाब से। तो आप हेलमेट ले सकते हो, जैसे कि अभी एक हेलमेट, मैंने दूसरा हेलमेट आपको दिखाता हूँ, ये है अपना दूसरा हेलमेट जो कि एकदम परफेक्ट है, इसमें ओरिजिनल ISI लगा हुआ है, कोई स्टिकर नहीं है, ठीक है। और एकदम जैसा कि मतलब कह सकते हैं, ये नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं एक राइडर हूँ तो मतलब ऐसा हेलमेट लगाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका आप ये पूरा कपड़ा है ना,
पूरा उखाड़ सकते हो, पूरी इसकी धुलाई कर सकते हो हर महीने, सिर में ना आपकी इन्फेक्शन होएगी ना कुछ होएगा, ठीक है। और नंबर दो, इसका शीशा भी बड़ा अच्छा है, टूटता नहीं गिरने पे, उसका हर दूसरे दिन शीशा ही टूटा रहता है, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, शुरू शुरू में मेरे पास एक्टिवा था तो मैं उसमें चलाता था, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन शीशा टूटा रहता था, तो फिर चलो जी 60-70 रुपये का शीशा डलवाओ। इससे अच्छा है कि एक बार हेलमेट ले लो, ये बेशक से आपके पैसे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होंगे, ज़्यादा भी क्या है, ये हेलमेट लिया था मैंने आज से 2 साल पहले करीब करीब, ये लिया था मैंने 2200 रुपये का हेलमेट, और आज इसको हो चुका है 2-3 साल पूरा करीब करीब, और एकदम ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। परफेक्ट कंडीशन बोले तो एकदम ओके रिपोर्ट है, अभी इसको आप जब मर्जी लगा सकते हो, इसका शीशा भी इजी अवेलेबल है, कहीं भी ले लो कैसे भी ले लो, एकदम परफेक्ट आता है, ठीक है। तो आपको मेन मेरा बताने का मकसद ये था कि आप हेलमेट लीजिए और हेलमेट को लगाइए, और बिना हेलमेट के तो आप कहीं भी मत जाइए। कुछ लोग मैं देखा हुआ है जो कि अपने घर के बाहर, तो घर के बाहर मतलब अपने लोकल में हेलमेट लगा के नहीं जाते, क्यों भाई, वहाँ पे आपका सर नहीं फूटेगा क्या? वैसे चलो ठीक है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, इस कहावत से मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन यार मतलब लगा लो, क्या पता आपको कौन आके टक्कर मार जाए, आपके सिर पे हेलमेट होगा तो आपकी जान बचेगी, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही था आपको बता, लोग एक बेस्ट हेलमेट लेना चाहते हो और बजट में जैसे कि 800 से लेके 1000-1200 रुपये तक में एक बढ़िया हेलमेट आ जाता है, स्टड्स कंपनी, स्टीलबर्ड, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि एकदम नंबर वन जेन्युइन हेलमेट प्रोवाइड करवाती हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको 5 या 10 हेलमेट्स का, तो आप उस पर जाके ले सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि दोनों हेलमेट में से आपको कौन सा हेलमेट लेना चाहिए, वैसे आप खुद ही समझदार हो, इतना तो आप समझते ही हो कि सिर में चोट लगने पर कितना दर्द होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने हेलमेट नहीं लगाना या कुछ भी करना है, कैसे भी बाइक चलानी है, हीरो गिरी फैशन कुछ भी कहो आप कर सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा काम था थोड़ा सा आपको बता देना, बाकी आपकी मर्जी, करो चाहे ना, कौन सा लेना चाहिए, सबसे बढ़िया स्टीलबर्ड और सबसे घटिया 150 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, जिसमें पेस्टो पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर का बस कोई भी नॉन ब्रांडिंग हेलमेट टिका दिया जाता है आपको, ठीक है। आता 150 का है, आपको मिलता 250, 300, 350, 400 रुपये तक का भी है, ठीक है। मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में जब भी लिया है 150 तक के लिया है, तो शायद हमारे ओविंदर भाई और विनोद भाई आने वाले हैं, इसके बाद थोड़ी सी प्लानिंग है अपनी छोटे से वीडियो शूट की, तो चलिए फिर। हाँ तुम सिर पर चढ़ रहे साले मेरे भाई, देखिए पीछे ठोकेगा।